नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनामिका सिंह और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको पता है, ग्रुप टू सब ग्रुप फोर की क्लासेस चल रही थी और आज उसका डे टू है, यानी क्लास नंबर सेकेंड है। तो ये ग्रुप टू सब ग्रुप फोर की क्लासेस में मैं प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रही हूँ। और किस ईयर के पेपर हैं, तो पेपर हैं 2018 के। सब्जेक्ट कौन सा लिया है, तो सब्जेक्ट है हिंदी। हम कैसे हिंदी का पेपर देखेंगे या किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं ग्रुप टू सब ग्रुप फोर में, ये सारी चीज़ें अभी हम वीडियोस में देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तुलसीकृत का सही सामसिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन है तुलसी द्वारा कृत, तुलसी पर कृत, तुलसी का कृत या तुलसी में कृत। तो इसका सही आंसर है तुलसी द्वारा कृत, है ना। तुलसी कृत का सही सामसिक विग्रह कौन सा होगा, तो इसका आंसर है पहला वाला, तुलसी द्वारा कृत। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। गुरु का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। जैसे समास के विग्रह से प्रश्न पूछा है, तो अब यहाँ पर विलोम शब्द से प्रश्न पूछा गया है कि गुरु का निम्न में से कौन सा विलोम है। तो गुरु मतलब होता है बड़ा, यानी कि दीर्घ। अब इसका विलोम यानी उल्टा बताना है, तो वो क्या होगा, छोटा। छोटा होगा यानी क्या होना चाहिए, लघु। तो ऑप्शन देखें, दीर्घ, बृहद, शिष्य या लघु। तो इसका आंसर होगा फोर्थ वाला। कौन सा होगा, तो इसका आंसर होगा फोर्थ वाला, लघु। गुरु का विलोम क्या होता है, तो वो लघु होता है। अगला प्रश्न है, मित व्यय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। अब मित व्यय का क्या विलोम होता है, ऑप्शन है अव्ययी, अव्यय, अपव्यय या अपयूय। तो इसका सही आंसर है अपव्यय। मित व्यय का सही विलोम है अपव्यय। चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा, तो वो होगा थर्ड वाला। अगला प्रश्न है हमारा, अभी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। आबादी, अभिमुख, अभिष्ट या अभिमुख। तो अभी उपसर्ग से बना शब्द है अभिमुख। ऑप्शन नंबर फोर्थ है ना, ये बिल्कुल सही है। मुख शब्द में अभी प्रत्यय लगा है, अभी उपसर्ग लगा है और इनके मेल से शब्द बना है अभिमुख। अगला प्रश्न है, उत उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। अब हमें बताना है कि उत उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। ऑप्शन है उत्कर्ष, ऊपर, ऊट या उतार। तो इसका सही आंसर है उत्कर्ष। उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, तो वह बना है उत्कर्ष। अगला प्रश्न है हमारा, महादेव में सही सामसिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। तो समास के विग्रह से पहला प्रश्न पूछा गया था और एक और प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, विग्रह से ही पूछा है समास के टॉपिक में, कि महादेव का सही विग्रह कौन सा है। ऑप्शन नंबर पहला है महान है जो देव, सेकेंड है महादेव, थर्ड है महादेव अर्थात शिव या फोर्थ है महान, महा है देव जो। तो इसका सही आंसर है पहला वाला, महान है जो देव। महादेव का सही विग्रह क्या होगा, महान है जो देव। अच्छा, इसमें समास कौन सा है, तो इसमें समास है कर्मधारय समास। कौन सा समास है, तो इसमें है कर्मधारय समास। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, निरर्थक का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। सार्थक, साधक, साथक या सार्थक। तो इसका सही आंसर है सार्थक। निरर्थक मतलब जिसका कुछ अर्थ ना निकले और सार्थक मतलब जिसका कुछ अर्थ निकले। तो निरर्थक का विलोम क्या हो जाएगा, सार्थक। अगला है डाक गाड़ी का सही सामसिक विग्रह कौन सा है। तो डाक में गाड़ी, डाक से गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी या डाक का गाड़ी। तीसरा प्रश्न समास विग्रह से पूछा गया है। आपकी परीक्षा में हिंदी के कुल कितने प्रश्न आएंगे ग्रुप टू सब ग्रुप फोर में, तो टोटल 25 प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में भी हम 25 प्रश्न ही डिस्कस करेंगे। तो डाक गाड़ी वाला हो गया था शायद या नहीं हुआ था। तो डाक गाड़ी का सही सामसिक विग्रह ऑप्शन हमने देखे हैं अभी, डाक में गाड़ी, डाक से गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी या डाक का गाड़ी। तो इसका सही आंसर है डाक के लिए गाड़ी। डाक गाड़ी का सही सामसिक विग्रह क्या होगा, डाक के लिए गाड़ी। अगला प्रश्न है हमारा, रचयिता का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। रचयिता, रचयिता या रचयिता या रचयिता। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड वाला। कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर होगा सेकंड वाला, रचयिता का शुद्ध रूप है रचयिता। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम, महोत्सव के लिए सही संधि विच्छेद को चुनें। महाधन उत्सव, देखो अलग अलग प्रकार से इसका विच्छेद किया गया है। अब हमें सही आंसर बताना है कि महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका आंसर होगा पहला वाला। कौन सा वाला, पहला वाला, महाधन उत्सव इसका विच्छेद होता है। क्या होता है, महाधन उत्सव इसका विच्छेद होता है। कौन सी संधि है, तो इसमें है गुड़स्वर संधि।
अगला प्रश्न है, लघु उत्तर के लिए सही संधि विच्छेद को चुने। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, अब इसमें से सही आंसर क्या होगा, तो वो होगा लघु धन उत्तर। क्या होगा? लघु धन उत्तर। अब ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो सही आंसर होगा हमारा सेकंड वाला। कौन सा वाला? तो सेकंड वाला हमारा सही आंसर होगा, लघु उत्तर का सही संधि विच्छेद लघु धन उत्तर होगा। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सुंदर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुने। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको स्क्रीन पर, और सुंदर का सही पर्यायवाची निम्न में से बताना है। तो इसका आंसर है पहला वाला, अभिराम, मंजुल और चारू, ये तीनों ही पर्यायवाची हैं किसके? सुंदर के। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्र उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? प्राचीन, प्राचीर, प्राप्ति या प्रचार। देखो प्र उपसर्ग पूछा है, पा में केवल आधा रहा है, इसमें किसी प्रकार की कोई मात्रा नहीं है, ना तो बड़े आ की मात्रा है, ना तो बड़ी की मात्रा है, ना ही छोटी की मात्रा है, किसी भी प्रकार की मात्रा नहीं है। यानी कि ऐसा प्र ढूंढना है जिसमें कोई मात्रा ना हो। तो चारों ऑप्शन देखोगे तो सही आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा, जो कि क्या है, फोर्थ वाला। प्राचीन तो होगा नहीं, प्राचीर भी नहीं होगा, प्राप्ति भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ वाला, प्रचार। अगला प्रश्न है, द्वारिका का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो द्वारिका गलत लिखा है, वो द्वारका होता है, इसका आंसर होगा फोर्थ वाला, क्योंकि वो द्वारिका नहीं होता, वह होता है द्वारका। शुद्ध रूप इसका कौन सा होगा? फोर्थ वाला। रविंद्र का संधि विच्छेद यहाँ पर बताना है। देखो संधि विच्छेद के काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब रविंद्र का सही संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा रवि धन इंद्र। क्या होगा? तो वह है रवि धन इंद्र, यानी जो सेकंड ऑप्शन में दिया है वह बिल्कुल सही है। अच्छा, रविंद्र में कौन सी संधि है? तो इसमें है दीर्घ स्वर संधि, ये भी बताती चल रही हूँ मैं साथ में। स्वर्ग के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुने। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास, और इसका सही आंसर है फोर्थ वाला, अमरपुर, सुरलोक और दिव। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर है अमरपुर, सुरलोक और दिव, स्वर्ग के ये पर्यायवाची हैं। फूक का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो फूका, फूक या फूक या फूका। देखो अलग अलग तरीके से ये शब्द लिखा गया है, किसी में अंक की बिंदी है, किसी में चंद्र बिंदी है, तो यहाँ से ही कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो फूक का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो वह है सेकेंड वाला। कौन सा वाला? सेकेंड वाला है फूक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा सेकंड। 18 की तरफ आते हैं, जो अंडे से उत्पन्न हुआ हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो आंसर है, ऑप्शन देखो पहले, तो अंडज, अंदाज, अंदाजा या अनादाजा। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडज, जो अंडे से उत्पन्न हुआ हो के लिए एक शब्द है अंडज। अगला प्रश्न है, आसीन का साप मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? धोखा ना देने वाला दोस्त, धोखा देने वाला दोस्त, डोसा देने वाला दोस्त या आस्तीन में पलने वाला सांप। तो धोखा देने वाला दोस्त इसका सही आंसर होगा, यानी सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या होगा? धोखा देने वाला दोस्त। खिनकू चलती ठिठकती खिनकू, भुज प्रीतम गरी डारी, चढ़ी अटा देखती छटा, बिज्जू छटा सी नारी, निम्न में से कौन सा रस है? भयानक रस, भक्ति रस, करुण रस या श्रृंगार रस। तो इसका सही आंसर है श्रृंगार रस। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें है श्रृंगार रस। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? उत्तरायण, अपराहन, अपराहन या पूर्वाहन। तो इसका सही आंसर है अपराहन, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है। दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं? तो वो अपराहन उससे कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, आसमान सिर पर उठावना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? जोर से रोना, जोर से खांसना, जोर से हंसना या बहुत शोर करना। आसमान सिर पर उठाना ये मुहावरा है, और इसका अर्थ है बहुत शोर करना, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम, इधर उधर की हाँकना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? व्यर्थ बोलना, यहाँ वहाँ की सही बात करना, सही बात करना या जानवर हाँकना। तो इधर उधर हाँकना यानी व्यर्थ बोलना, फालतू बोलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? व्यर्थ बोलना। अगला प्रश्न है हमारा, इस सोते संसार बीच में कौन सा अलंकार है? इस सोते संसार बीच में कौन सा अलंकार है? उपमा, श्लेष, यमक या अनुप्रास। तो इसका सही आंसर है अनुप्रास अलंकार। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसी कारण इस सोते संसार बीच में है कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार।
आते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर, जो कि है हरिमुख मानो मधुर मयंक में कौन सा अलंकार है? श्लेष, उत्प्रेक्षा, चलिए श्लेष, उत्प्रेक्षा, यमक या अनुप्रास? तो इसका सही आंसर है उत्प्रेक्षा अलंकार। अंतिम प्रश्न का आंसर क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है इसमें वाचक शब्द के रूप में जनो, मनो, मानो, जानो एवं प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो यदि उदाहरण को देखोगे तो आपको यहाँ माने मानो शब्द मिलेगा वाचक शब्द के रूप में, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आज की क्लास की जो ये सीरीज थी वो कंप्लीट हो गई है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर इसे लाइक करिएगा, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे के और क्वेश्चंस को लेकर आते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।